हेलो फ्रेंड्स, कुकिंग विद रेनू में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की मेरी रेसिपी है चौको चिप्स बनाने की। बहुत ही झटपट बन जाते हैं, बच्चों को ही बहुत पसंद आते हैं। तो चलिए देख लेते हैं चौको चिप्स बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। यहाँ पर ही देखिए, मैंने ये आधा कप डार्क चॉकलेट ली है। ये डार्क चॉकलेट कंपाउंड का मैंने एक बार लिया है। इस तरह से ये पैकेट मिलता है, मार्केट में भी इजीली मिल जाता है, आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। तो इस पैकेट में चार बार निकलते हैं, तो उसमें से मैंने एक बार लिया है। इसको मैंने इस तरह से रफली छोटे छोटे पीसीज में तोड़ लिया है। अब एक बर्तन में हमने पानी ले लिया है, गैस की फ्लेम ऑन कर दी है। पानी हमें बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, तो पानी में हमें एक उबाल आने देते हैं। पानी में उबाल आ गया है, तो हम इस तरह का कोई बर्तन लेंगे, आप कांच का भी ले सकते हैं, तो हम इसके ऊपर रख देंगे। हम डबल बॉयलर मेथड यूज़ करेंगे, इस तरह का भी ले सकते हैं, इजीली घरों में मिल जाता है। मैं यहाँ ये ले रही हूँ क्योंकि ये इस पर फिक्स बैठेगा, तो हमने इसको इस पर रख दिया। अब हम इसमें डाल देंगे ये डार्क चॉकलेट, और अब हम इसको थोड़ी थोड़ी देर के बाद इस तरह से पलटते हुए चॉकलेट को मेल्ट करेंगे। थोड़ी थोड़ी देर के बाद हम पलटते रहेंगे। गैस की फ्लेम हमने हाई कर रखी है। ये देखिए, 2 मिनट के बाद आप देखेंगे, ये देखिए चॉकलेट मेल्ट होने लगी है। एक दो पीस इसमें और रह गए हैं। गैस की फ्लेम अब हमने मीडियम कर ली है, इसको और थोड़ा सा हम मेल्ट कर लेंगे। ये देखिए, चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो गई है, एकदम स्मूथ हो गई है, ये आप देख सकते हैं। तो अब हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देते हैं। अब हम एक इस तरह का पाइपिंग बैग लेंगे, आप चाहें तो कोई पॉलीथीन ले सकते हैं जो दूध वगैरह में निकलती हैं, इस तरह से। अब हमने जो ये चॉकलेट मेल्ट करके रेडी की है, उसको हम इस कोने में लेंगे। इस तरह से हमने चॉकलेट को इस कोन में फिल कर लिया है। ऊपर से हम कोई इसमें क्लिप लगा देंगे या कोई रबर बैंड लगा देंगे अच्छे से, ये देखिए इस तरह से। और यहाँ थोड़ा सा हम कट लगा देंगे, बहुत ज़्यादा बड़े हमें नहीं बनाने हैं, तो इस तरह से, ये देखिए। अब एक प्लेट में हमने एल्युमिनियम फॉइल लगा ली है, आप चाहें तो बटर पेपर पर भी बना सकते हैं। तो अब आपको जिस साइज के चौको चिप्स बनाने हैं, तो उस तरह से, ये देखिए, थोड़ी थोड़ी दूरी के पास हम इस तरह से करते रहेंगे। ये देखिए, हमने अपने सारे चौको चिप्स बना के रेडी कर लिए हैं। अब हम इनको 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख देते हैं। 10 मिनट बाद हमने इनको फ्रिज में से निकाल लिया है, तो ये देखिए, ये आसानी से इससे निकल जा रहे हैं। इस तरह से हम निकाल के एक दूसरी प्लेट में इनको रख लेते हैं। तो ये देखिए, हमारे चौको चिप्स बनके तैयार हैं। बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आते हैं, तो आप इनको किसी भी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं, जब बच्चे आपके खाने को मांगे तब दे सकते हैं। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, बहुत ही इजी सी रेसिपी है, तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय।